Hey guys, what is up? I am Two Credits. Welcome back to my channel. So guys, कैसे मेरी Edits Army? I hope आप लोग हमेशा की तरह एकदम मस्ती होंगे. Okay guys, so guys, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि guys, आप लोग अपना 3D AI art कैसे बना सकते हो. मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि guys, आप लोग AI art कैसे बना सकते हो. बट guys, उसमें सीन क्या हुआ, उसमें मैंने आपको मिड जर्नी के बारे में बताया था. एंड मिड जर्नी जैसे आप सब लोगों को पता है वो पेड हो चुका है. तो इसलिए आज तुम्हारा भाई एक न्यू AI के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके अंदर आप लोग अपनी इमेज को अपलोड करके कुछ इस तरीके का वेक्टर आर्ट बना सकते हो, सीधा कन्वर्ट कर सकते हो. जो आप कमांड लिखोगे आपका वेक्टर आर्ट उस चीज में रेडी हो जाएगा. एंड गाइस, ये अभी बिल्कुल फ्री है. तुम्हारे भाई ने जल्दी जल्दी ढूंढ के मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ. ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है. एंड आप सब लोगों को इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है कि ये कौन सा AI है जो धमाल मचा देगा आप सबकी फोटो में. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट. ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले क्या करना गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर को ओपन करना. तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया. तो अब मैं बताता हूँ इस AI को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना तोकिर एडिट्स, यानी मेरे चैनल का नेम लिखना. आपको अगर नहीं पता तो चैनल का नेम आप लोग दे सकते हो. उसके बाद मेरी वेबसाइट ओपन होगी, आपको इस पर क्लिक करना है. देन उसके बाद गाइस आपको हल्का सा नीचे जाना है एंड आपको फर्स्ट आर्टिकल दिख रहा होगा यहाँ, न्यू इमेज AI लेक्सिका एपर्चर. आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे जाना है एंड अब आपको AI को ज्वाइन करना है. तो AI को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है ज्वाइन लेक्सिका एपर्चर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने न्यू पेज यहाँ पे ओपन होगा. तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है गेट स्टार्ट पे एंड यहाँ पे गाइस आपको अपने अकाउंट से लॉग इन कर लेना. तो अपने गूगल अकाउंट से आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो. तो गाइस मैंने यहाँ पे इस पर लॉग इन कर लिया. सो गाइस अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे अपलोड इमेज का. अपलोड इमेज में क्या होगा, आप अपनी फोटो को अपलोड करके उसको वेक्टर आर्ट बना सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो. तो मैं अपलोड इमेज पे क्लिक करके अपनी पिक को एक अपलोड करके देखता हूँ. तो अपलोड इमेज पे क्लिक करा, उसके बाद हम चलेंगे फोटो लाइब्रेरी पे. सो फिर मैं गाइस अपनी यहां से ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रही मेरी इमेज. एंड इसको अब मैं यहां से डन कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मेरी गाइस इमेज जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुकी है. अब मेरे को यहाँ पे कमांड लिखना है कि मुझे अपनी फोटो किस तरीके से करनी है. तो अब मोबाइल को गिर रहा है. अब आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है डिस्क्राइब योर इमेज, आपको यहाँ पे जाके लिखना है जैसे आपको जिस तरह की अपनी फोटो चाहिए उस तरह का आपको कमांड देना है. तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइबर पंक लुक, नीचे हल्का सा एक कोमा लगा देना. उसके बाद लिखता हूँ मैं रियलिस्टिक. एंड उसके बाद गाइस आपको अपना जेंडर लिखना है, मेल हो या फीमेल हो. अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, अपने जेंडर नहीं लिखोगे तो कई बार ये AI कंफ्यूज होता है कि इंसान है क्या, ये लड़का है या लड़की है, तो ये हमें लड़की बना देता है. तो यहाँ पे आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, आप कमांड जब भी दे रहे हो मेल जरूर बीच में डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं. बस मेल लिखना है, मेल फुल HD, क्योंकि हमें फुल HD में चाहिए. बस गाइस अभी मैं इतना कमांड लिख रहा हूँ, साइबरपंक लुक रियलिस्टिक मेल फुल HD. बस मैं अभी इतना कमांड लिख के इस पर जनरेट पे क्लिक करके देखता हूँ अब हमारी इमेज को एक किस तरीके से कन्वर्ट करता है. एंड गाइस की खासियत एक ये हो रही है कि बहुत फास्ट इमेज आपको रेडी करके देता है. जैसे आप लोग देखो ये मेरी इमेज गाइस यहाँ पर रेडी हो चुकी है. सो गाइस आपने देखा मेरी ये नॉर्मल इमेज थी एंड यहाँ पे आप लोग सब देख सकते हो मेरी इसने AI ने कितने बढ़िया यहाँ पे इमेज को रेडी कर दिया. इसने मुझे 4 इमेज दी है, तो जो मुझे परफेक्ट लगती है यहाँ पे बढ़िया लगती है मैं उसको ऐड कर सकता हूँ. एंड मैंने साइबरपंक लिखा था एंड ये साइबरपंक लुक मैं बना के दिया. जैसे आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे लग रहा है. एंड इसने एज इट इज मेरे जो जैकेट था घोकू का उसका कलर भी लिया एंड सेम बिल्कुल बैकग्राउंड बिल्कुल वैसी रखा है. इसने थोड़ा सा मॉडिफाई करा, बीच में हल्की सिटी लगा दी एंड ये काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है गाइस, जैसे आप सब लोग देख सकते हो. अब गाइस बारी आती है आपको इमेज को डाउनलोड कैसे करना. आपको सिंपली क्या करना है गाइस, आपको अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करना है. देन उसके बाद एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का आइकॉन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है. जैसे आप गाइस इस पर क्लिक करोगे आपकी इमेज देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है. डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपकी इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी. सो गाइस अभी जल्दी जल्दी जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस AI को जाके ज्वाइन करो. एंड ये अभी बिल्कुल फ्री है, कुछ पता नहीं कब जाके ये पेड हो जाए एंड फिर दिक्कत हो जाए. फिर आप कमेंट में मुझे कहोगे फेक वीडियो. अभी अगर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो जल्दी जाके इसको ज्वाइन करके देखो, बिल्कुल फ्री है ये. तो गाइस अभी मैं कुछ और इमेज को अभी आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ वेक्टर आर्ट में. तो यहाँ पे मैं काटे पे क्लिक करता हूँ एंड अपनी कोई नई फोटो अपलोड करके देखता हूँ. सो जैसे मान लीजिए मैं वाली फोटो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, डन पे क्लिक करना है. एंड गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जो आपकी फोटो का साइज होना चाहिए 10 MB से नीचे होना चाहिए. 10 MB से ऊपर ये फोटो नहीं लेता, तो 10 MB से नीचे ध्यान रखना आपकी इमेज होनी चाहिए. सो ये रहा तो साइबरपंक लुक. सो गाइस मैंने अपनी फोटोज के अंदर ऐड कर दी है वाली. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा साइबरपंक लुक, ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है. अब मैं लिख देता हूँ साइबरपंक सिटी इन बैकग्राउंड, देखता हूँ बैकग्राउंड में क्या देगा. साइबरपंक सिटी इन बैकग्राउंड. अब मैं, अबे बैकग्राउंड तो पूरा लिख जा, अरे वो बड़ा हो गया यार बैकग्राउंड. अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ. अब मैं देखता हूँ हमारी इमेज किस तरीके रेडी होती है यहाँ पे. तो इस बात की खुशी की AI बहुत फास्ट है एंड बिल्कुल फ्री है.
सो गाइस यहाँ पे मेरा AI जनरेट हो चुका है, जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो इसने बिल्कुल मेरे फोटो से सिमिलर यहाँ पे AI को जनरेट कर दिया, मेरी गाड़ी को इसने लिया। जैसे मेरे फोटो में बैकग्राउंड तो कुछ इस तरीके इसने बैकग्राउंड को मॉडिफाई करके साइबर पंक लुक में क्रिएट करा, जो कि बिल्कुल ज्यादा डोप लग रहा है। जैसे गाइस आप सब देख सकते हो यहाँ पे ड्रेस बिल्कुल इसने मेरे साइबर पंक वाली कर दी, मेरे बाल ये क्या कर दिए थे तो वही कछुआ बना दिया वाले बाल में, बट ये वाली बढ़िया लग रही है मुझे। तो इसको यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, आपकी डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो अब ये वाली मैंने कन्वर्ट कर ली, जो कि बहुत ही अच्छा साइबर पंक लुक में क्रिएट हुआ है वेक्टर। सो अब मैं एक काम करता हूँ, एक और अपनी इमेज को ऐड करता हूँ, उसको सोचता हूँ साइबर पंक सुपरमैन में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सो अपलोड इमेज पे जाता हूँ, सो ये वाली फोटो को लेता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी एक दूसरी इमेज को ऐड कर लिया, अब मैं यहाँ पे इसमें कमांड में लास्ट में लिख देता हूँ कन्वर्ट इन सुपरमैन, ठीक है, कन्वर्ट इन सुपरमैन। सो अब मैं जनरेट पे क्लिक करके देखता हूँ। सो अब मैं देखता हूँ कि मेरी फोटो को जो है ये सुपरमैन में कन्वर्ट करता है या नहीं करता, भी देखते हैं किस हद तक ये AI काम कर सकता है। सो गाइस देखिए आप सब लोग देख सकते हो मेरा बिल्कुल फोटो को लिया एंड इतने सुपरमैन में भाई कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप लोग देख सकते हो मेरे अंदर की जैकेट को इतने सुपरमैन के लोगों में कर दिया, एंड ये वाली देखो यार कितनी बढ़िया लग रही है सुपरमैन वाली जैकेट ऐसे खोलता हुआ, एंड फेस तो बिल्कुल यार इसने ऐसा बना दिया, कितनी तगड़ी जो लाइन है मेरी, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज यहाँ पे लग रही है। सो गाइस आप सब लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन ये AI है, मतलब मिड जर्नी का बिल्कुल टक्कर देने वाला AI है। इसके अंदर आप अपना, मेरे हिसाब से तो अगर आप अपनी फोटो अपलोड करोगे तो बहुत अच्छा वेक्टर आर्ट बना के दे रहा है ये। सो अभी रिसेंटली देखो मैंने कई सारे अपने वेक्टर आर्ट बनाए थे इसको वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको फुल यूज़ करके देखा था कि बढ़िया है या नहीं है फिर वीडियो बनाऊँ। तो देखिए आप सब लोग देख सकते हो कितने सारे मैंने यहाँ पे अपने फोटो के वेक्टर आर्ट बनाए थे, एंड मैंने एक कमांड लिखा था यहाँ पे कुतुब मीनार इन स्नो, तो देखिए मैंने कुतुब मीनार को स्नो में करके कन्वर्ट करके दिया था मेरे को, एंड न्यू दिल्ली सिटी सब लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा था मैंने, एंड ये वाला देखो गाइस मैंने सुपरमैन में कन्वर्ट करा था, मैंने इसके कमांड दिए साइबरपंक लुक रियलिस्टिक मेल फुल HD, बट मैंने गाइस यहाँ पे अपनी फोटो को अपलोड नहीं करा था, तो इसने मुझे सुपरमैन जो है बिल्कुल साइबरपंक के लुक में कन्वर्ट करके दिया, जैसा आप सब लोग देख सकते हो, एंड ये मेरी सारी फोटो जो मैंने अभी इसमें करी थी। सो गाइस अभी तक मैंने आपको ये बताया कि आप लोग अपनी इमेज को अपलोड करके कैसे इसके अंदर एक AI आर्ट बना सकते हो। अगर आपको अपनी इमेज को अपलोड नहीं करना, अगर आपको ऐसे अपने माइंड से कुछ बनाना है तो आपको सिंपली अगर यहाँ से इमेज को काटा कर देना है, एंड मैं अब जो कमांड इसके अंदर ऐड हो रखी है ऑलरेडी इसको ऐड रहने दूंगा, मैं सिंपली जनरेट पे क्लिक करूंगा। सो अब देखता हूं मैं AI आर्ट अपने तरीके से एक कमांड का यूज करके कैसा एक वेक्टर आर्ट या इमेज हमें रेडी करके देता है। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे अपनी कमांड को वही रहने दिया, बस अब मैंने अपनी फोटो यहाँ पे रिमूव करा था, एंड इसने देखिए गाइस बिल्कुल सुपरमैन को साइबर पंक में कन्वर्ट करके दे दिया, एंड यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया सुपरमैन का लोगो लगा के दिया है। मतलब यार ये AI जानता है कि सुपरमैन कैसा लगेगा साइबर पंक में, ये तो मैं 100% कह रहा हूँ। बिल्कुल यार देखो इतने क्या मस्त साइबर पंक सिटी में कन्वर्ट करके हमारी फोटो को दिया, एंड ये वाली तो भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रही है मेरे, मतलब फ्यूचरिस्टिक बिल्कुल क्लोथ दे दिया इसने सुपरमैन के, एंड ये वाला देखो क्या बढ़िया मसल आ रहा है। इसमें मैंने अपनी फोटो अपलोड नहीं करी थी, बस मैंने यहाँ पे कमांड दी थी, इसने हमारी फोटो को रेडी करके दे दिया। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगी गाइस आप लोग इस AI को यूज करके अपनी फोटो कैसे बढ़िया वेक्टर आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो या अपना किसी भी तरीके का AI आर्ट बना सकते हो। सो गाइस मैं तो बस यही कह रहा हूँ जल्दी जल्दी जाओ इस AI को ज्वाइन करो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेरी वेबसाइट पर जाके इसको ज्वाइन करो, एंड इसका यूज करके अपनी फोटो को क्रिएट करो, अपने AI आर्ट क्रिएट करो, क्योंकि पता नहीं कब ये पेड हो जाए। अभी तो फ्री है तो भाई मौज ले लो, जैसे मैं अभी मौज ले रहा हूँ इसका, एंड वीडियो बना के आप सब लोगों को मौज दिला रहा हूँ। तो जल्दी जाके इसको यूज कर लो, एंड गाइस अगर आपको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको कुछ समझ नहीं आता तो कोई भी प्रॉब्लम आती है सिंपली आप कमेंट कर सकते हो, आप तुम्हारा भाई कमेंट में बैठा है तुम सबका रिप्लाई कर देगा। सो गाइस तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत से AI ढूंढा है, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आप घूमते फिरते मेरे इस चैनल पर आ गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके बड़ी बड़ी डोप डोप वीडियो हम लाते रहते हैं। सो गाइस चलिए चलते हैं, मैं आपको मिलता हूं कोई अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, पीस, लव यू ऑल, बाय।